तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा आर फाइव वी फोर और आर फाइव वी फोर जो के अंदर आता है आर फाइव एम, तो मॉन्स्टर एडिशन और आर फाइव वी फोर और जो स्टैंडर्ड एडिशन है इसमें क्या क्या डिफरेंसेस आप लोगों को देखने को मिलेगा और कौन कौन सा बाइक आपको इजीली आप पहचान सकते हो कौन सा आर फाइव वी फोर है और कौन सा आर फाइव एम है। तो ये दोनों का कुछ कंपेयर करके आप लोगों को मैं बताऊंगा ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा बाइक कितना में आएगा, और प्राइस भी बताऊंगा, एक्सट्रीम प्राइस कितना होने वाला है, सब कुछ ए टू जेड आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक ज़रूर दिखेगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लेते हैं आर फाइव वी फोर के बारे में। आर फाइव वी फोर में आपको कलर ऑप्शन के ऊपर बात करें तो कलर ऑप्शन मिलेगा, चार कलर ऑप्शन देखने को मिलेगा आर फाइव जो वी फोर है इस मॉडल में। आर फाइव वी फोर का जो टॉप मॉडल है आर फाइव एम, इसमें मिलेगा तीन कलर ऑप्शन। तो सबसे पहले कौन कौन सा कलर ऑप्शन, कलर का नाम आप लोग जान लीजिएगा। तो वी फोर का जो कलर ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे डार्क नाइट एक नंबर में, दो नंबर मेटालिक रेड, उसके बाद रेसिंग ब्लू, उसके अलावा और एक आपको कलर देखने को मिलेगा इंटेंसिटी व्हाइट। ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है, तो आप इंटेंसिटी व्हाइट यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो। अलग अलग में जो भी नाम बताए वो कलर और ग्राफिक्स देख के आइडिया लगा सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे एम वर्षन में कौन कौन सा कलर देखने को मिलेगा, सिर्फ तीन कलर देखने को मिलेगा। तीन कलर में से आपको सबसे पहले मिलेगा मेटालिक ग्रे जो सबसे पहले लॉन्च हुआ था, उसके बाद देखने को मिला ब्लैक, सॉरी यहाँ पे ब्लैक मेटालिक एक्स कहा जाता है इसको, तो ब्लैक कलर में मेटालिक एक्स जो है इसमें मॉन्स्टर एडिशन कहा जाता है, या फिर आप ब्लैक कलर भी मेटालिक एक्स नाम पे जाना जाता है। तो उसके अलावा और एक वर्षन आप लोगों को देखने को मिलेगा जो लिमिटेड एडिशन है, यहाँ पे डब्ल्यू जी पी 60th एडिशन यानी वर्ल्ड मोटो जी पी 60th एडिशन का जो एक कुछ यहाँ पे लिमिटेड कुछ क्वांटिटी में आया था वो देखने को मिलेगा। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पे जो कलर ऑप्शन के ऊपर बात किया था, कौन कौन सा बाइक कौन कौन सा कलर के नाम से जाना जाता है, कौन सा एम वर्सन है, कौन सा वी फोर में आता है, तो वो मैं बता दिया। उसके बाद मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों और एक डिफरेंस देखने को मिलेगा, और एक ही बाइक पर देखने को मिलेगा जो हाल ही पे चेंजेस किया गया है आर फाइव एम वर्सन में लॉन्च किया गया। इसमें आप लोगों को कलरफुल टीएफटी डिस्प्ले देखने को मिलेगा, वो भी इसका जो स्क्रीन साइज है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा यानी थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो आर फाइव वी फोर है, दोनों बाइक हालांकि सेम वी फोर ही है, लेकिन यहाँ पे जो मॉडल वाइज आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जो नॉर्मल मॉडल है इसमें आपको सेम यहाँ पे डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा, सिर्फ आर फाइव एम वर्सन में मेटालिक ग्रे, मेटालिक ग्रे और मॉन्स्टर एडिशन इस कलर में जो लिमिटेड एडिशन आया था वर्ल्ड मोटो जीपी उसमें नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे मेटालिक एक्स यानी ग्रे कलर और यहाँ पे जो मॉन्स्टर एडिशन है दोनों ही मॉन्स्टर एडिशन है, एक आपको ग्रे कलर मेटालिक ग्रे कलर के साथ मिलेगा और एक यहाँ पे ब्लू के साथ ब्लैक कम्युनिकेशन और ब्लू स्टीयरिंग देखने को मिलेगा, वो मेटालिक एक्स कहा जाता है तो इसमें मिलेगा। तो ये कुछ यहाँ पे जो पहले आया था उसमें टीएफटी डिस्प्ले नहीं मिलता था, रिसेंटली लॉन्च किया गया, अपडेट कर दिया गया इस मॉडल पे टीएफटी डिस्प्ले, उसके साथ साथ यहाँ पे जो चारों इंडिकेटर है वो एलईडी कर दिया गया है। तो ये कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेगा आर फाइव में आर फाइव वी फोर यानी वर्षन फोर में। ये कुछ यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, यहाँ पे देखिए कितना मॉडल है, ये अगर आप बाइक यहाँ पे गिनने लग जाओ आर फाइव वी फोर में कितना मॉडल आपको कितना ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे ये आर फाइव वी फोर में मिलेगा चार ऑप्शन और आर फाइव एम वर्सन में मिलेगा तीन ऑप्शन, यानी सात ऑप्शन, सात अलग अलग कलर और ग्राफिक्स डिज़ाइन के साथ अलग अलग देखने को मिलेगा। तो इतना ज़्यादा बाइक होने के बाद भी यहाँ पे कुछ यहाँ पे कन्फ्यूजन रह जाता है कौन सा बाइक कितना है, कौन सा बाइक सस्ता है, कौन सा टॉप मॉडल है, कौन सा यहाँ पे लेने से अच्छा होगा। और कुछ कुछ यहाँ पे देखिए जितना भी टोटल मैंने बताया एम वर्सन में हालांकि नहीं है, लेकिन नॉर्मल जो एडिशन है इसमें रेड कलर जो है रेड कलर में क्विक शिफ्टर नहीं मिलेगा, और एक आपको पॉइंट मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया। और यहाँ पे और एक बाइक है डार्क नाइट, उसमें भी शायद यहाँ पे आप चेक कर लीजिए क्विक शिफ्टर मिलता है या फिर नहीं, एक दो मॉडल में यहाँ पे जो आर फाइव वी फोर है उसमें क्विक शिफ्टर देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे प्राइस के बारे में, कौन सा मॉडल का क्या प्राइस रेंज होने वाला है। तो प्राइस के बारे में बात करें दोस्तों यहाँ पे एक एक करके मैं आप लोगों को मैं बताऊँगा, एक शोरूम प्राइस बताऊँगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग स्टेट के अलग अलग यहाँ पे जो आर टी ओ फ्रिज वगैरह लगता है तो इसके हिसाब से मैं नहीं बता पाऊँगा। तो एक शोरूम प्राइस आप लोगों को मैं बता दूँगा, एक शोरूम प्राइस से लेके यहाँ पे आप आइडिया लगा सकते हो कितना हो डिफरेंसेस है देखने को मिलेगा। जो सबसे पहले मेटालिक रेड कलर है उसका जो एक शोरूम प्राइस है, एक शोरूम प्राइस 181,700 के आसपास देखने को मिलेगा, 500 1,000 2,000 इधर उधर हो सकता है आपका स्टेट के हिसाब से। तो 181,700 में आपको यहाँ पे मिल जाएगा मेटालिक रेड कलर। उसके बाद डार्क नाइट जो एडिशन है ब्लैक कलर में आता है डार्क नाइट,
उसका रेट आप लोगों को यहाँ पे 1,82,700 पे करना पड़ेगा एक शोरूम प्राइस। उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर पे आता है यहाँ पे इंटेंसिटी वाइट, इसका जो रेट थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है, 1,86,700 यहाँ पे करना पड़ेगा। उसके बाद वर्ल्ड मोटो जीपी एडिशन जो मैंने बताया लिमिटेड एडिशन 60th एनिवर्सरी, उसका रेट और भी ज़्यादा है, 1,91,800 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा एक शोरूम प्राइस जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे जो टॉप मॉडल है एम्बरसन R15 V4 एम्बरसन, आपको एम्बरसन के लिए आपको पे करना पड़ेगा 1,95,700 यहाँ पे एक शोरूम प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद आता है वर्ल्ड मोटो जीपी एडिशन जो मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे देखिए दो वर्ल्ड मोटो जीपी एडिशन है, एक 60th एनिवर्सरी, उसके अलावा और एक है मॉन्स्टर एडिशन मोटो जीपी एडिशन जो भी कहते हो आप लोग, तो इसमें इसके लिए और भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। जो टॉप मॉडल है 1,97,000 जो मॉन्स्टर एडिशन मेटालिक एक्स के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों का अलग अलग करके आपको बता दिया होगा, तो कुछ भी पॉइंट है मिस हो गया तो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें फिर भी लाइक कीजिएगा, लाइक बहुत ही कम होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।